नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। दोस्तों, ये वीडियो है ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक और नया फ्रेश एपिसोड। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरे दुनिया से जितने भी गर्मा गर्म न्यूज एंड अपडेट्स आ रहे वो देने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए बॉस, आज का हमारा सबसे पहला न्यूज आ रहा है नेशनल न्यूज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आज इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया है कि आगे से कोई भी एसी विथ रेफ्रिजरेंट इंडिया बाहर के देशों से नहीं मंगाएगा। एसी विथ रेफ्रिजरेंट के इंपोर्ट पे इंडिया ने बैन लगाया है। आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है अभी। नरेंद्र मोदी भी कहे थे कि 30% एसी हम लोग बाहर के देशों से मंगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जुलाई के महीने में कलर टीवी सेट्स के इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, और आज डिसीजन आया है कि किसी भी तरह का एसी विद रेफ्रिजरेंट अभी इंडिया बाहर के देशों से नहीं मंगाएगा। इंडिया में ही बनाया जाएगा और इंडिया में ही उसे इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज है पंजाब के तरफ से। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर विजय इंदर सिंगला का कहना है कि हम अक्टूबर 19 तारीख से जितने भी स्कूल्स हैं जो कि कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं उसको रीओपन करेंगे 9 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चों के लिए। अभी स्कूल में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होगा। कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैं घर बैठे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहता हूं, उसके लिए वो ऑप्शन भी दिया जाएगा। लेकिन ऑफिशियली अक्टूबर 19 तारीख से कंटेनमेंट के बाहर जितने भी स्कूल उसे हम रीओपन करेंगे और क्लास 9 से लेकर 12 क्लास के बच्चे अभी स्कूल जाके पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए हम लोग सीधा टेक्नोलॉजी की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज कुछ खास नहीं आ रहा है। हमारा सबसे पहला टेक्निकल न्यूज आ रहा है पोको के तरफ से। अभी बिग बिलियन डे चल रहा है। पोको पहली बार अपना पोको X3, पोको M2 प्रो, पोको C3 पे डिस्काउंट दिया है। इससे पहले कभी पोको अपने फोन्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं देता है। बिग बिलियन डे पे पोको X3 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको मिलेगा सिर्फ 15,299 रुपए में। पोको M2 प्रो 720G स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में आता है, वो आपको मिलेगा सिर्फ 11,699 रुपए में। और पोको के तरफ से लो बजट फोन पोको C3 आपको मिल जाएगा सिर्फ 6,750 रुपए में। तो बिग बिलियन डे पे पोको अपने तरफ से कुछ डिस्काउंट दे रहा है, फिर SBI का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे फ्लिपकार्ट आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा है। मिला जुला के देखोगे तो पोको के जितने भी वेरियंट्स हैं वहां पर आपको ढेर सारे डिस्काउंट मिल रहा है। आप अगर खरीदना चाहते हो तो जरूर से उसे खरीद सकते हो। चलिए बॉस का हमारा नेक्स्ट न्यूज है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने एक शॉर्ट वीडियो बना के ट्विटर में पोस्ट किया, जहां पे उन्होंने बताया कि माइक्रोमैक्स फिर से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे कमबैक करने वाला है। एक सीरीज का फोन आएगा जिसका नाम होगा इन, और आत्मनिर्भर अभियान जो भारत में चल रहा है उसी के अंदर ये माइक्रोमैक्स का कैंपेन चलाएगा, और बहुत सारे आपको स्मार्टफोन अभी माइक्रोमैक्स की तरफ से दिखने वाला है। 2014 में माइक्रोमैक्स इंडिया में स्मार्टफोन बेचने वाली सेकेंड हाइस्ट कंपनी थी। उसके बाद चाइनीज कंपनी आई, साउमी, पोको, वीवो, ओप्पो, फिर इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया और माइक्रोमैक्स को आउट ऑफ द मार्केट कर दिया। लेकिन फिर से माइक्रोमैक्स कमबैक करना चाहता है और इन सीरीज का आपको स्मार्टफोन आगे आने वाले दिनों में देने वाला है। स्पोर्ट्स न्यूज, कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीच सीजन में ही अपना कैप्टन को बदल दिया है। अभी दिनेश कार्तिक केकेआर को कैप्टन नहीं करेंगे बल्कि ओएन मॉर्गन करेंगे। खबर आ रही है कि ये डिसीजन केकेआर टीम की नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक की थी। उन्होंने ही खुद आके स्टेप डाउन किया है। उनका कहना था कि मैं अपने बैटिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, इसीलिए मैं कप्तानी पद से अभी स्टेप डाउन कर रहा हूं। और अभी योन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड टीम के व्हाइट बॉल कैप्टन है वो करेंगे केकेआर की कप्तानी। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट न्यूज, कल आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में जो मैच हुआ उसमें काफी कुछ चीजें हुई। जैसे यूनिवर्स बॉस पहली बार के लिए इस बार आईपीएल में दिखे क्रिस गेल, उन्होंने एक हाफ सेंचुरी रन भी स्कोर किया। फिर वो मैच काफी पहले खत्म होने वाला था लेकिन अंत तक वो मैच गया। लास्ट में एक बॉल पे एक रन चाहिए थे जहां पे निकोलस फुलर ने छक्का लगाया, और आरसीबी ने एबी डिविलियर्स को फोर्थ पोजीशन से बिल्कुल सिक्स पोजीशन पे शिफ्ट किया, और इसके बारे में अभी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। और वो मैच किंग्स इलेवन पंजाब ने आरसीबी को हरा दिया। एंटरटेनमेंट के सेक्शन से लेजेंडरी वेटरन सिंगर कुमार सानू का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जी हाँ, उनके टीम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि कुमार सानू दा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये बात का हमारा नेक्स्ट न्यूज, रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज एक साथ मिलके एक नया फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा अनफेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली आपको तो पता ही होगा, उसी का ऑपोजिट होगा अनफेयर एंड लवली, जिस फिल्म का थीम होगा जो गोरेपन को लेके इंडिया में काफी चर्चा चलती है, सब लोग गोरा बनना चाहते हैं, उसी को थीम बना के ये फिल्म बनाया जाएगा, जिस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। तो रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज की तरफ से आपको एक नया फिल्म, नया कंसेप्ट वाली फिल्म देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा अनफेयर एंड लवली। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।